भविष्य में जब जब ऐसा होगा, अनुचित किए बिना पुत्र अकारण संकट में आएगा, तब तब उसकी माता अपने संपूर्ण सामर्थ्य से उसकी सहायता करेगी, क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान ने कुछ भी अनुचित नहीं किया, इसलिए मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगी। माता, आप मेरी चिंता त्याग दीजिए, मेरी शक्ति और प्रभु की न्यायपरता पर आप विश्वास कीजिए। माता, प्रभु कहां कुछ अनुचित होने देंगे। अवश्य इस युद्ध के पीछे मेरी कोई परीक्षा अथवा जगत कल्याण का कोई महान उद्देश्य निहित हो, क्योंकि इसमें एक ओर भोले बाबा हैं और दूसरी ओर प्रभु श्री राम का कार्य है। हाँ देवी, संसार में हनुमान और श्री राम की महिमा को और उजागर करने के लिए अति आवश्यक है ये युद्ध। हनुमान मुझे पराजित कर आगे बढ़ेगा, तभी राम राज्य और उसके साथ सर्वत्र धर्म की स्थापना संभव होगी। इसलिए हृदय कठोर कर आपको इस युद्ध से हटना ही होगा। हनुमान की माता होने के साथ जगत जननी भी है। जगत में धर्म के विस्तार के लिए, जगत कल्याण के लिए इस युद्ध को होने दीजिए। प्रत्यक्ष रूप से मैं इस युद्ध में भाग लूं अथवा नहीं, किंतु परोक्ष रूप में आप दोनों की शक्ति बनकर मैं पूर्व से ही इस युद्ध में भागीदार हूं। आपकी आज्ञा के विरुद्ध भी नहीं जा सकती मैं। ये युद्ध अपने नेत्रों के समक्ष भी नहीं देख सकती, इसलिए मैं अपने नेत्र बंद रखूंगी जब तक ये युद्ध निर्णायक ना हो जाए। किंतु कोई ऐसा अनिष्ट ना हो जिसे मैं सहन ना कर पाऊं। यही उचित है देवी, इसी में जगत का कल्याण निहित है। प्रभु, माता के आशीर्वाद स्वरूप उनके द्वारा दिए गए इस खड़क के साथ आपसे युद्ध करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। इसलिए प्रभु, आपको भी कोई और अधिक शक्तिशाली अस्त्र चुनना होगा। मुझे ज्ञात है पुत्र, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, इस युद्ध में तुम पर कोई दया नहीं करूंगा मैं। तुम पर कठोरतम से कठोरतम वार करूंगा मैं। चंद्रहास, प्रभु ने चंद्रहास का आह्वान किया है, इसका सामना करना तो किसी के वश में नहीं।
माता को दिए गए वचन के अनुसार प्रभु और हनुमान इस युद्ध को सृष्टि से दूर ले जा रहे हैं, जिससे इस महायुद्ध का किंचित प्रभाव भी सृष्टि पर ना पड़े। हनुमान, क्या तुम युद्ध के लिए पुनः प्रस्तुत हो? राम काज की सफलता के लिए मुझे ये युद्ध करना ही होगा प्रभु। दोनों महायोद्धा अपने दिव्य अस्त्रों से एक दूसरे पर वार करने के लिए प्रस्तुत है, और जब दो महान शक्तियों का एक दूसरे से टकराव होता है तो सृष्टि से दूर होने पर भी वो सृष्टि के लिए कभी भी संकट का रूप धारण कर सकते हैं। जय श्री राम। इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए महादेव के प्रहार को रोकना असंभव है। मेरा हृदय इतना विचलित क्यों हो रहा है? रणकपि गंगाधर अकल्पित देव अचंभित सृष्टि चिंतित जो देखी न सुनी कभी भाई युद्ध वही प्रारंभ को आई। गंगा बाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। प्रथम प्रहार से ही सृष्टि कंपित हो उठी तो ज्ञात नहीं आगे क्या होने वाला है। भोले बाबा की काया तो महाविकराल रूप धारण करते जा रही है। महादेव का ऐसा रूप कदाचित सृष्टि में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। न जाने क्या होने वाला है। महादेव का ये विश्वरूप, ये दर्शन अद्भुत भी है और भय उत्पन्न करने वाला भी। नमन भोले बाबा, आपके इस विराट दर्शन को संभालो मेरा मान।
प्रहार तो भोले बाबा बहुत ही भीषण कर रहे हैं, किंतु न जाने क्यों मुझे इन प्रहारों में शत्रु भाव का आभास ही नहीं हो रहा है। न जाने आज क्या होने वाला है। पुत्र हनुमान, जिसका भय था वही होने की संभावना दिखाई दे रही है देव, कैसे रुकेगा ये युद्ध? मैं तो स्वयं हर प्रभु हूँ ये सब देखकर। आकाश गंगा में पहुंचते ही मेरी देह का आकार एवं मेरी शक्ति क्षीण कैसे होने लगी? नहीं नहीं, मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी ही होगी। क्लांत हो गए पुत्र, लो मैं भी तुम्हारे कार के समान हो गया। अब मुझे अपना युद्ध कौशल दिखाओ। युद्ध कौशल तो दिखाऊं भोले बाबा, किंतु मैं देख रहा हूं कि आपके पीछे दूर दिखाई दे रही पृथ्वी में कंपन हो रहा है। आपके समक्ष कंदुक के आकार के जैसी प्रतीत हो रही है पृथ्वी। मुझे भी तुम्हारे पीछे मंगल ग्रह कंपित होते दिखाई दे रहा है। युद्ध का परिणाम है ये, किंतु युद्ध नहीं रुकेगा। तुम अपने भगवान के लिए युद्ध कर रहे हो और मैं अपने भक्त के लिए। प्रभु मुझे वचन दीजिए कि यदि मेरा राम की सेना से युद्ध हुआ और उसमें मैं परास्त हुआ तो मेरे आवाहन पर आप स्वयं और आपकी सेना युद्ध भूमि में आकर मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे। बधास्तु। हर हर महादेव। हनुमान, इसे युद्ध की प्रतियोगिता समझने की भूल ना करो। वार करो और दिखाओ अपना वास्तविक बल। युद्ध का दिखावा करके मुझे निराश मत करना। उचित है भोले बाबा, युद्ध की कलाएं तो आप ही से सीखी है मैंने। अब आपको निराश नहीं करेगा आपका ये शिष्य। जय श्री राम। शक्तियों के ये प्रचंड घात प्रतिघात, इसे शीघ्र ही नहीं रोका गया तो असमय ही प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, ये था तुम्हारा प्रशंसनीय वार हनुमान। प्रभु की दिव्य खड़क का टूटा हुआ भाग तो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। पृथ्वी पर विनाश मचा देगा ये, पृथ्वी को दो भागों में विभक्त कर देगा ये।
मेरी खड़क का भाग भी मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। मंगल ग्रह भी नष्ट हो जाएगा। संसार के संकट मोचन हनुमान अब क्या करेंगे? मंगल ग्रह अधिक दूर नहीं है, पहले इन्हें ही बचाता हूं। जय श्री राम। मेरी खड़क का भाग तो पृथ्वी के निकट पहुंच गया है। मैं अभी इसे हनुमान पुत्र, ये दिव्य खड़क महाघातक है, तुम इसे नहीं रोक पाओगे। प्रतीत होता है कि हनुमान चंद्रहास तक नहीं पहुंच पाएंगे, और यदि पहुंच भी गए तो उसे नियंत्रित करना सहज नहीं होगा। हनुमान, पृथ्वी लोक और मंगल ग्रह को संकट से बचाकर तुमने सृष्टि पर उपकार किया है। सत्य में ही संकट मोचन हो तुम, किंतु हमारे बीच जो युद्ध होगा वो तुम्हारे युद्ध कौशल के अनुरूप ही होगा। अब महादेव किस प्रकार के युद्ध के लिए कह रहे हैं? हनुमान, स्वयं को नियंत्रित करो पुत्र। चंद्रहास को तो रोक लिया है हनुमान ने, किंतु यदि हनुमान स्वयं पृथ्वी से टकराए तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु से युद्ध करने चले थे तो भुगतो उसका परिणाम। पृथ्वी से टकरा के टुकड़े टुकड़े हो जाओगे हनुमान। आश्चर्य है, ये वानर तो अद्भुत है। भोले बाबा के हाथ में गदा। उठो हनुमान, गदा युद्ध सबसे अधिक प्रिय है ना तुम्हें? गदा युद्ध में तो मुझे परास्त कर दो, अन्यथा राम काज अपूर्ण रह जाएगा, अश्व बंधी बना रह जाएगा, अश्वमेघ यज्ञ की अग्नि भी ठंडी पड़ जाएगी। बोले हनुमत को ललकारी, युद्ध गदा से करो गदाधारी। मारी गदा भू पर हनुमाना, जा कंपन से शिव को प्रणामा। महाबली हनुमत की रुचि कर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरी गदा का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। भोले बाबा, जब से आपसे युद्ध कला का प्रशिक्षण लिया है, तब से गदा हो या कोई अन्य अस्त्र, हर अस्त्र में दक्षता प्राप्त हो गई है मुझे। तो फिर मात्र बात से नहीं, युद्ध कौशल से इसका प्रमाण दो। ऐसा ही होगा गुरुदेव। अत्यंत भयानक होगा यह गदा युद्ध। संसार में दो महायोद्धाओं की गदा टकराएंगी तो सृष्टि में विचरण निश्चित है। जय श्री राम।
गदाओं की ये भीषण डंकार, ये ध्वनि तो कानों को भेद रही है। पर ब्रह्मा की शक्ति है शिवशंकर, पर हनुमान भी उन्हीं के अंश। इन ब्रह्म शक्तियों की गदाओं के टकराने से ब्रह्मांड को भी विचलित करने वाला ब्रह्मनाद उत्पन्न हो रहा है। आप असहनीय हो रही है ये ध्वनि। स्वामी, युद्ध तो उग्र होता जा रहा है। जब भी दो महान शक्तियां आपस में टकराती हैं, तो महाविनाश होता ही है। आज भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। देवी पार्वती, सारा ब्रह्मांड कंपित हो रहा है, आपका हृदय भी कांप रहा होगा। मां के हृदय की व्यथा एक नारी ही जान सकती है। देव, आप तो जगत के पालनहार हैं, सारी सृष्टि विचलित हो रही है। कैसे होगा इस युद्ध का अंत? कब होगा ये युद्ध समाप्त? क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी थी? कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, किंतु योद्धा के लिए क्षण भी ध्यान, धैर्य और संयम खोने का अर्थ है पराजय। क्या तुम भी परास्त होना चाहते हो? भोले बाबा, गुरुदेव से पराजय भी मेरे लिए आशीर्वाद है, किंतु आज पराजय का अर्थ है मेरे प्रभु के काज में असफलता, और राम काज को ये हनुमान कदापि असफल नहीं होने देगा। फिर क्यों युद्ध से तुम्हारा ध्यान भटक रहा है हनुमान? ये युद्ध में ध्यान दे या नहीं, पराजय तो इसकी ही होनी है। हर हर महादेव। पुनः एकाग्रता खो दी तुमने हनुमान, इसलिए अपनी गदा खो बैठे। गुरुदेव की संगति हो या विसंगति, परिणाम तो कल्याणकारी ही होता है। अच्छा ही हुआ, अन्यथा गदाओं की टंकार सभी को विचलित कर रही थी। सैनिक भी पीड़ित हो रहे थे। धर्म युद्ध में
ऐसे बलिदान देने पड़ते हैं हनुमान। ऐसी ही पीड़ा एक साधारण सैनिक को योद्धा बनाती है। तुम्हारे भीतर जो योद्धा है उसे जागृत करो हनुमान, और समाप्त कर दो इस युद्ध को, अन्यथा मैं समाप्त कर दूंगा इस युद्ध को। हनुमान, अब भी शक्ति शेष है तो आओ मल युद्ध करो मुझसे। और महादेव को हनुमान तो मलयुद्ध के महावीर महादेव के पांव को अपनी पकड़ में ले लिया है। क्षमा, हनुमान मुझे निराश मत करो, प्रहार करो अपनी पूर्ण शक्ति से। बहुत ही अद्भुत है ये मल्लयुद्ध। अब पहले कौन आगे बढ़े? हनुमान ने महादेव से तो युद्ध सीखा ही है, अपने पिता केसरी जी से भी मलयुद्ध का प्रशिक्षण लिया है हनुमान। क्षमा प्रभु, कहीं आपको आहत तो नहीं कर दिया मैंने? ये क्या, शिवजी पर ऐसा भीषण प्रहार? हनुमान को नहीं करना चाहिए था ऐसा। ये क्या कर दिया हनुमान ने? यदि महादेव का क्रोध जागृत हो गया और उन्होंने अपना तृतीय नेत्र खोल दिया तो? और शिवजी के तृतीय नेत्र खोलने का अर्थ है हनुमान की मृत्यु और सृष्टि का महासंहार। Yeah.
युद्ध विजय प्राप्ति की भावना से किया जाता है। विरोधी चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, कोई भी प्रहार विफल नहीं होना चाहिए।